Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Hello दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में. दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम एक Gmail अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. दोस्तों, जीमेल के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा गूगल क्रोम को. यहाँ पर आप किसी और वेब ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. तो मैंने यहाँ पे ओपन किया गूगल क्रोम को. यहाँ पर आपको टाइप करना होगा जीमेल. मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ एंटर. जब हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करते हैं तो जो भी आपने डोमेन नेम URL में लिखा होता है उसके आगे .com लग जाता है. तो ये आपके सामने ओपन हो गया जीमेल का लॉगिन पेज. अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट पर. यहाँ से आप चूज कर सकते हैं फॉर माई सेल्फ, यानी कि इस अकाउंट को मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ. अगर आप किसी बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चूज करना होगा फॉर माई चाइल्ड. और अगर आप इसे बिजनेस पर्पस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको चूज करना होगा टू मैनेज माय बिजनेस. अभी मैं चूज करता हूं फॉर माय सेल्फ. यहां पर एंटर करना होगा आपको फर्स्ट नेम. जैसे कि मेरा नाम दीपक सूदा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दीपक. टैब करके आप नेक्स्ट बॉक्स में आ सकते हैं सूद. यूज़र नेम आपका ग्लोबली यूनिक होना चाहिए पूरे जीमेल के डोमेन पर. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूद डॉट दीपक 2021. आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा सूद डॉट दीपक 2021. जैसे ही आप पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, अगर ये आईडी अभी तक जीमेल के डोमेन पर क्रिएट नहीं होगी तभी यहाँ पर आपको ये पासवर्ड ऑप्शन पर जाएगा, अदरवाइज ये आपका ऑप्शन रेड हो जाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2020. अब मैं पासवर्ड ऑप्शन पर आया तो ये रेड हो गया. रेड का मतलब होता है कि ये आईडी अभी एग्जिस्ट करती है. तो मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 2021. ये सजेशन है. अगर आप इस सजेशन में से कुछ चूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. यहाँ पर आपको एंटर करना होगा पासवर्ड. पासवर्ड के लिए आपको मिनिमम 8 करेक्टर यूज़ करने होंगे, जिसमें कम्बिनेशन हो सकता है आपका लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का. तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ. इसी पासवर्ड को कंफर्म कर देते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करा. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होगा. तो मैं यहाँ पे फोन नंबर को एंटर करके क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट बटन पर. अब आपके मोबाइल के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको वो यहाँ पर एंटर करना होगा. तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा अपना वेरिफिकेशन कोड. वेरीफाई किया. अब आपसे पूछा यहाँ पे आपका रिकवरी ईमेल एड्रेस और आपका डेट ऑफ बर्थ. रिकवरी ईमेल एड्रेस का फ़ायदा यह है कि अगर बाय चांस आप इस पासवर्ड को भूल जाएं तो आप अपने मेल अकाउंट को रिकवरी ईमेल एड्रेस से ओपन कर पाएंगे. तो मैं यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस में टाइप कर देता हूँ अपना एक मेल एड्रेस. और डेट ऑफ बर्थ में मैं चूज़ कर लेता हूँ डेट, मंथ और ईयर. जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करा. अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यस आई एम इन, यानी कि आप ही हैं जो इस मेल अकाउंट को बना रहे हैं. लास्ट में आइए, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई एग्री पर. तो ये आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया और मैंने उस अकाउंट से कर लिया लॉगिन. अब जो नाम आपने बाहर एंटर किया था वो नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा. तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दीपक सूद और नीचे आपकी मेल आईडी जो भी आपने
इस अकाउंट को क्रिएट करते टाइम दी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम क्रिएट करते हैं जीमेल अकाउंट। अगर आप इसे साइन आउट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन आउट का, तो आप इसे साइन आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके पास ये अकाउंट अभी अवेलेबल है। अगर आप इसी अकाउंट से फिर से लॉग इन करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड जैसे ही एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप फिर से हो जाएंगे अपने मेल अकाउंट पर लॉग इन। अभी मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से बैक। अगर आप इस अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा यूज़ अनदर अकाउंट पर, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे मेल अकाउंट। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, तो आप अपने डिफरेंट अकाउंट से हो जाएंगे लॉग इन। फिर से मैं इसको बैक कर देता हूँ। अगर आप इस अकाउंट को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा रिमूव एन अकाउंट ऑप्शन पर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस माइनस बटन पर, यस रिमूव। तो ये आपका हो जाएगा अकाउंट रिमूव। अब जब भी आप अपने सिस्टम पर फिर से गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा ईमेल एड्रेस। दोस्तों इस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर जीमेल अकाउंट को। अब मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर क्लोज। दोस्तों अब हम क्रिएट करते हैं एक याहू अकाउंट, तो उसके लिए मैं फिर से ओपन करता हूँ गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा yahoo.com। एंटर किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मेल पर। मेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा साइन अप पर। साइन अप के बाद आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ, सरनेम एंटर किया, ईमेल एड्रेस मैं सेम वही चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डोमेन वो अपने आप ही फुलफिल कर रहा है @yahoo.com। आप यहाँ पर सेट करेंगे अपने पासवर्ड को, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करना होगा आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। डेट ऑफ बर्थ में आपको एंटर करना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। जेंडर में आप टाइप कर देंगे, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू बटन पर। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा नेवर। अब यहां से आपसे पूछ रहा है एक वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं क्लिक कर देता हूँ टेक्स्ट में या वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के अंदर एक टेक्स्ट कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। वेरीफाई किया तो यहाँ पे आ रहा है आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। इस ऑप्शन को मैंने किया टिक मार्क डन। तो मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट से कर लिया लॉग इन। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको साइन आउट कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर साइन आउट। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपना याहू अकाउंट। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब हम क्रिएट करते हैं एक और मेल आईडी लाइव अकाउंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पर। तो मैं ओपन कर लेता हूँ फिर से गूगल क्रोम को। अब आपको यूआरएल के अंदर टाइप करना होगा hotmail.com। एंटर किया, एंटर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट फ्री अकाउंट पर। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपका ईमेल एड्रेस जो भी आप रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सेम नेम ही टाइप कर देता हूँ। अब आप यहाँ से डोमेन चूज कर सकते हैं कि आप hotmail.com पे अकाउंट बनाना चाहते हैं कि outlook.com पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। ये दोनों ही आईडीज जो हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ hotmail.com। नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना होगा जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक करा तो आपके सामने मैसेज आ रहा है कि आपको 8 करेक्टर रखने हैं पासवर्ड में, और आपके पासवर्ड के अंदर अपर केस और लोअर केस भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अपर केस और लोअर केस को, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करा। आपसे नेम पूछा है तो मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया दीपक, लास्ट नेम भी एंटर कर देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक करा। आपसे रीजन पूछा तो मैंने रीजन में सेलेक्ट किया इंडिया। डेट ऑफ बर्थ में आपको टाइप करना होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ। एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट बटन पर। जब आपको सिक्योरिटी इन्फो के लिए आपको एंटर करना होगा अपना फोन नंबर, तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ इंडिया। यहाँ पे एंटर करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर, सेंड कोड पे क्लिक करा तो आपके मोबाइल में फिर से रिसीव होगा एक वेरिफिकेशन कोड, वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा, तो मेरा यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो गया। अगर आप इस अकाउंट को भी साइन आउट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन आउट का। साइन आउट पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट होगा ये हो जाएगा लॉग आउट। दोस्तों इस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर मेल अकाउंट्स। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.